सो हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। सो आप सोच रहे हो मैं कहाँ पर चल रहा हूँ, तो अभी जस्ट मैं आया हूँ नैनीताल पर। एंड यहाँ पर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ ट्रेडिंग के पर्पज़ से, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं ट्रेडिंग करूँगा, बस अभी बस 1 से 1.5 किलोमीटर चल गया हूँ। एंड ढूंढ रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ मेरे को होटल मिल जाए, या फिर थोड़ा सा मैं गाँव के एरिया में जाना चाहता हूँ। गाँव के एरिया प्रेफर करूँगा रहने के लिए, यहाँ तो बहुत भीड़ भाड़ है। बट देखते हैं कोई विलेज मिल जाता है वहाँ रहने के लिए, तो अपन वहाँ पर स्टे करेंगे। एंड यहाँ पर देखो कितना मस्त मौसम हो रखा है ये, ठीक है। ये अपनी बहुत अच्छी नहर है, ठीक है। एंड यहाँ पर मछलियाँ बहुत ही, पानी देखो कितना साफ, बिल्कुल नीचे तक दिख रहा है पानी, पॉल्यूशन फ्री। तो ये है इसका व्यू इस तरह का। इसको देख के ही ना आराम से ट्रेडिंग में जो साइकोलॉजी है, जैसे बोलते हैं साइकोलॉजी कैसे स्ट्रॉन्ग करें ट्रेडिंग में, मुझे लगता है इसको देख कर ही आप साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी। वो कितना अच्छा व्यू है यार, यहाँ पर आराम से चढ़कर, ठीक है, पहाड़ पर है। मैं देखूँगा यहाँ पर, इसलिए मैं विलेज ढूँढ रहा हूँ कि यहाँ पर तो होटल ले सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर घूमने के पर्पज़ से नहीं आया हूँ नैनीताल, ठीक है। एंड घूमने पर्पज़ से आता तो मैं कई दोस्तों को बुला कर रहा था, मैं अकेले ही आया हूँ। एंड यहाँ पर बस मेरा 2 से 3 दिन स्टे शायद होगा। मैं यहाँ पर सर्च कर रहा था, कहीं पर बात करूँगा लोकल वालों से कि कहाँ पर विलेज है, क्योंकि वहाँ पर जो नेचुरल चीज़ों की, यहाँ पर देखो थोड़ा सा टूरिस्ट प्लेस है ना, तो भीड़ भाड़ लाकर थोड़ा सा, फिर भी यहाँ तो नहीं है बट होता है। फाइनली गाइस एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं जिसे बोलते हैं जन्नत। असली में जन्नत क्या होती है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको सेटअप बता देता हूँ, ये अपना सेटअप है। अभी जस्ट आया हूँ तो अभी टाइम नहीं मिल पाया मेरे को ट्रेड करने का, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैं ट्रेवल कर रहा था। एंड 1:16 हुआ यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, 1:60। तो अभी टाइम है अपने पास ट्रेड करने के लिए। सेटअप बन गया अपना, ट्रेड लाइन बहुत अच्छा ट्रेड लाइन बना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। रिजेक्शन मिला है, यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाया अपन क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए। ये अपना नीचे से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सपोर्ट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है ट्रेड लाइन का, इसके बीच में रहता है नो ट्रेड। इसके ऊपर निकलता है ट्रेड, पहला टारगेट इसके नीचे निकलता है तो थोड़ा सा बड़ा टारगेट मिल जाएगा। तो ये ट्रेड है, ठीक है, आज का सेटअप। अब मैं आपको दिखाता हूँ जन्नत, तो रेडी रहना जन्नत के लिए, ठीक है। तो ये है अपनी जन्नत। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट में बच के गिरने वाला था, थोड़ा सा मैं कैमरा को ये कर देता हूँ, 1 2 3। ये देखो, इसे बोलते हैं जन्नत, ठीक है। दुबई तो बस ऐसे ही फेमस है, एक ट्रेडर का सबसे बड़ा। ये देखो मैं आपको टूर दिखाता हूँ यार, एक विला टाइप का है, ठीक है। ये देखो यार, मतलब वर्ड नहीं है यार मेरे को बोलने में, कम से कम 2 से 3 घंटे मुझे लग गए इस प्लेस को ढूंढने में यार, ठीक है। इसे बोलते हैं, ये है वैसे नैनीताल से दूर है 20 किलोमीटर, नैनीताल में रुका था, बट वहाँ पर ऐसे कुछ नहीं, बहुत क्राउडेड एरिया था। ये इतना सुनसान एरिया देख रहे हो, कुछ भी एक आदमी आपको नहीं दिख रहा है, सारे विला टाइप के बने हुए हैं, होटल हैं, विला हैं, ठीक है। ये असली में जन्नत किसे बोलते हैं ना, यहाँ आके पता चलता है यार, मतलब ब्लेस्ड हैं लोग यार जो ऐसी जगह पर पैदा हुए हैं, ठीक है। अपन जैसे शहर के लोग बोलते हैं कि यार फैसिलिटी नहीं है, बट यहाँ पर फैसिलिटी सब कुछ है, वाईफाई है, सब कुछ है। और यहाँ पर किसी भी घर में फ़ोन ही नहीं लगा हुआ है, ठीक है, किसी भी घर में, सॉरी फ़ोन है, किसी भी घर में फ़ैन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। मैं दिखा दूँगा थोड़ा सा रूम टूर आपको दिखा दूँ। तो ये अपना रूम टूर है, यहाँ पर जस्ट अभी आए अपना मस्त, ठीक है, सिंपल सा है रूम, कुछ वैसा नहीं है, और डबल डबल का है, ठीक है। और ये तो ये समझ लो आपको जन्नत मिल गई है यार। ऐसा मैं आया था 1 दिन 2 दिन के लिए, अब मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पर मैं प्लान कर रहा हूँ कि थोड़ा सा 1-2 महीने रुकूँगा, अभी नहीं, फिर कभी आऊँगा अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि अकेले में यार पर मज़ा नहीं आएगा। अकेले मज़ा तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा बोर हो जाऊँगा ना। तो यहाँ पर क्या है कि यार इतनी ऐसी ऐसी गलियाँ ना कि यार आप भूल जाओगे कि कहाँ से निकलें कहाँ से जाएँ, ठीक है। तो बाइक कंपलसरी है, बाकी ऑटो रिक्शा चलता रहता है। तो यार यहाँ पर देखो है ना, यहाँ पर देखेंगे शाम टाइम, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर, वहाँ कम से कम बहुत ऊपर है बट जाएंगे, ठीक है। रास्ते बने हुए, ऐसा नहीं कि चढ़ना है, पूरा रास्ता बना हुआ है यार। ऐसे यहाँ पर ना सुकून मिल रहा है, मतलब कि ऐसे यहाँ पर शाम को अपन बैठेंगे यहाँ पर, ठीक है, कुर्सी लगा कर। एंड यहाँ पर मस्त बाग वाग है, मतलब गाँव के मैं खुद हूँ बट ऐसा गाँव में फील नहीं होता, पहाड़ी इलाके में, मतलब कि ऐसा मैंने सोचा था कि ऐसा होता होगा बट यार एक्चुअली में ऐसा मिल गया मुझे। कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको ये, है ना। एंड कितने लोग यहाँ नैनीताल से, नैनीताल स्पेशली से बहुत कम होंगे, कितने लोग यहाँ क्या बोलते हैं
उत्तराखंड से, कितने लोग उत्तराखंड से, कमेंट करके जरूर बताना ठीक है। एंड यार एक मैं चीज़ बता दूँ आपको को कि जिन लोगों को ट्रेडिंग में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि यार थोड़ा सा स्टार्टिंग में है ना डिप्रेशन की हो जाती है, डिप्रेशन ट्रेडिंग में एक पार्ट होता है, आता रहता है ठीक है, कैसे उसको ओवरकम करना है, लॉस को कैसे कवर करना है, साइकोलॉजी स्पेशली साइकोलॉजी कैसे कवर करनी है, मतलब साइकोलॉजी थोड़ी सी खराब हो गई हो है ना, क्योंकि देखो क्या होता है जब ट्रेड करते हो ना दो तीन लॉस हो जाते हैं तो आप सोच नहीं पाते कितने लॉस, मतलब ओवर ट्रेडिंग कर लेते हो, सबसे बड़ी पॉइंट होती है ओवर ट्रेडिंग, तो उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है ठीक है। मैं ओवर ट्रेडिंग काबू करने लिया है, मैं बस आया हूँ इसलिए क्योंकि यार थोड़ा सा मुझे सुकून भरा चाहिए था ठीक है, मतलब बहुत अच्छा यार माहौल है यहाँ पर, जबकि मैं अकेले आया हूँ, मुझे कोई बोरियत नहीं लग रही कि यार बोर हो जाऊँगा, अकेले आया हूँ अकेले चढ़ूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पर बस देख रहा हूँ कि एक दो दिन के लिए रहूँगा, तीन दिन के लिए किस हिसाब से होगा, फिर इसके बाद एक दो महीने का प्लान करूँगा, यहीं से आकर पूरा अपना सेटअप बनाऊँगा, ट्रेडर है यार इसीलिए ट्रेडर बने हैं कि यार कहीं घूम सकें ठीक है, थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर हो जाएगा यहाँ पर लेकिन सुकून है यार यहाँ पर, मतलब कि यार सब कुछ है ना, दिल्ली वाले तो यार परेशान हो रहे हैं देख के क्या जन्नत में आ गए हैं ना, फिर भी अपन लखनऊ से, लखनऊ में भी क्राउडेड बहुत है, यूपी में ऐसे भी क्राउड रहता है, पर यार देखो ना वहाँ पर देखो क्या मतलब देखने से ही लगता है यार है ना, ऐसा लगता है कि यार एक भी आवाज़ नहीं, देखो पंछी हैं आराम से, ऐसा लग रहा है यार दुबई वही फालतू में लोग जाते हैं यार, यहाँ पर आके देखो क्या सुकून मिलता है, बिल्डिंग विल्डिंग दिखाते हैं ठीक है, फाइव स्टार होटल दिखाते हैं, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, आराम से यहाँ पर बैठो यार शाम को यहाँ पर, और ये जो है ना इतना अच्छा मतलब कि यहाँ पर लोग रहते हैं खुद सपोर्ट, मतलब कि इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं, सबका फैमिली है पूरी ठीक है, खुद का घर का खाना देंगे तुम्हें, मतलब बहुत अच्छा है ठीक है, यहाँ पर आराम से कहीं भी बैठो, यहाँ पर आराम से बैठो मस्त खाने पीने की चीज़ें खाओ पियो, कोई रोक टोक नहीं है, जंगलों में जाओ सिक्योरिटी ऐसा भी नहीं, यहाँ पर जंगल है मतलब कि वैसा कुछ है बट सिक्योरिटी है पूरी, कुछ भी नहीं है मतलब कि डेवलप है ठीक है, यहाँ पर यार का सपना भी करूँगा ठीक है, बाकी दिखाता हूँ मैं ट्रेडिंग, ट्रेडिंग होगा तो ट्रेडिंग करूँगा, बाकी कमेंट करके जरूर बताओ कैसा लगा प्लेस ठीक है, एंड ये भी मुझे कमेंट करके बताना थोड़ा सा एडवाइस देना कि हाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए एक दो महीने के लिए यहाँ पर, बनता है कि नहीं बनता ठीक है, मैं बार बार गिर रहा हूँ यार थोड़ा सा ऊपर नीचे ठीक है, देखते हैं सेटअप यहाँ पर ट्रेडिंग करने में अलग ही फील आता है मेरे को यार, मतलब कि साइकोलॉजी तो ऐसी कैसी हो जाएगी, मतलब कि साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना यहाँ पर, इतना सुकून है कि एक दो लॉस हो जाएंगे, जनरली क्या होता है ना लखनऊ में अपन करते हैं तो जैसे लॉस हो जाता है ना तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि यार थोड़ा सा भी दिक्कत हो जाती है, अपन तीन साल ट्रेडिंग करें फिर भी ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस हो जाता है, तो यार मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँ दो तीन दिन से इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ, बट अब मैं एक्चुअली में ट्रेडिंग करूँगा ठीक है, यहाँ पर देखो मैं ट्रेडिंग करने के लिए आया हूँ, मैं घूमने फिरने तो शाम को हो जाएगा बट 7:30 बजे अपन ट्रेडिंग करेंगे यहाँ पर, एंड मस्त यहाँ पर सेटअप बन रहा है, अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यार मतलब कि टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रेडिंग करो ठीक है, बाहर बैठ के ट्रेडिंग करो, वहाँ पर आराम से ट्रेडिंग करो बैठ के, देखो आराम से माहौल यहाँ पर क्या है ठीक है, मतलब कि मुझे स्पेशली मैं बताऊँ अपनी बात तो मुझे स्पेशली बिल्डिंग का कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं बिल्डिंग का, बिल्डिंग में जैसे घूमने फिरने का मुझे नेचुरल चीज़ें बहुत शौक है, तो मैं हमेशा नेचुरल चीज़ें जो भी स्टार्टिंग में जानते हो मैं बहुत घूमता फिरता हूँ, और ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए फ्रीडम के लिए, सो देखते हैं कोई स्टॉप बनता है, सेटअप शेयर करता हूँ, ट्रेडिंग जरूरी है ना, बहुत चीज़ हो गई बट ट्रेडिंग जरूरी है, तो यहाँ पर देखते हैं बहुत अच्छा सेटअप है, ट्रेड लाइन का बहुत अच्छा सेटअप है, एंड यहाँ पर एक सपोर्ट है, देखते हैं किस चीज़ को ब्रेक करता है, फिर यहाँ पर कुछ सेटअप बनता है तो यहाँ पर मैं ट्रेड लूँगा, एक या दो ट्रेड एक दिन में लेंगे, वैसे भी टाइम बहुत कम बचा है। सो गाइस यहाँ पर अपनी एंट्री हो चुकी है, जैसे मैंने बताया था ब्रेकआउट होने वाला है ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोगों ने इंटर हो गए थे, एंड यहाँ पर थोड़ा सा बाद में इंटर हुए हैं क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, मैंने सोचा मतलब फेल हो सकता है, तो वहाँ पर जैसे मार्केट नीचे आया थोड़ा सा मैं इंटर हो गया, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आई थिंक हो सकता है हिट, एंड यहाँ पर अभी लॉस चल रहा है कुछ 1700 का, 10% का लॉस है यहाँ पर देख सकते हो, 10% का स्टॉप लॉस है ठीक है, कुछ 6000 का पर ट्रेड का रिस्क है आज का मेरा, तो हिसाब से देखते हैं ठीक है, थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है तो ये है, देखते हैं क्या होता है, लॉस होता है प्रॉफिट होता है, मैं आपको अपडेट देता हूँ, एंड ये देखो पुल बैक को मेरे उम्मीद है, अगर पुल बैक होकर मार्केट वापस आता, अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा, अगर पुल बैक होकर वापस जाता है तो फिर अपना टारगेट हिट हो सकता है, यहाँ पर पहला टारगेट होगा तो 10% तक, तब तक हो जाएगा 1:1, सो देखते हैं, और तब तक अगर लॉस हो जाएगा कोई बात नहीं है ना, इन्जॉय करेंगे, प्रॉफिट लॉस तो चलता रहता है, बट यहाँ पर अपन देखते हैं। तो हेलो ट्रेडर्स, तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन शॉट ले रखा है क्योंकि देखो 12 बज गया था, मैं स्क्रीन शॉट दिखाता हूँ कितने टाइम का है, 31 मई है, 12:10 का स्क्रीन शॉट है ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पर ऊपर, तो मैं भूल गया था कि यहाँ पर यार आपको एंडिंग करना है, बल्कि थोड़ा सा मैं ट्रेवल कर रहा था यहाँ पर, जैसे आपको पता मैं नैनीताल आया हूँ तो लॉस हो गया, इसके बाद में ट्रेवल करना चला गया, चाहे प्रॉफिट चला लॉस तो वो तो घूमना फिरना है,
तो एक ट्रेड के बराबर लॉस हो, क्योंकि आज का मेरा पर ट्रेड का रिस्क था 6,000 प्लस, ठीक है, यानी 6,000 से 7,000 का अप्रॉक्स मेरा पर ट्रेड का रिस्क था। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो पहले ट्रेड में मेरा लॉस हुआ था 6,000 का, दूसरे ट्रेड में भी लॉस हुआ था 3,900 का, ठीक है, पहले कट कर लिया क्योंकि मुझे लग रहा था लॉस हो जाएगा, दो ट्रेड लगातार लॉस हुए, तीसरे ट्रेड का प्रॉफिट हो गया था, तो लॉस रिकवर हो गया थोड़ा सा, वही 1,000-2,000 का बचा था लॉस, क्योंकि 9,000 का प्रॉफिट हो चुका था, 1:1 पे गिट हुआ था थोड़ा सा ज़्यादा, तो 2,000 समथिंग का लॉस बचा था। एक ट्रेड मिला, देन मैंने ट्रेड लिया, चौथा ट्रेड वो हो गया लॉस। तो यहाँ पर आपको टोटल दिख रहा होगा हिसाब से 7,000, ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ट्रेडर हुआ, ट्रेडिंग हुआ है। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ जो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है क्या क्या मैंने ट्रेड किए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, 195 पे, फिर से ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट मैंने ले रखे हैं। तो आपको बस ये बोलना चाहता हूँ, देखो प्रॉफिट हो या लॉस, ठीक है, ट्रेडिंग का पार्ट होता है। अब इसलिए मुझे शूट करना वीडियो मैं सुबह शूट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम लोग डेली प्रॉफिट करते हैं, लॉस भी करते हैं, बस लॉस को हम लोगों को मिनिमाइज़ करना पड़ता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना पड़ता है, अपने लॉस पर कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। तो आज से हमें क्या करना है, आज से हमें अपने स्टॉप लॉस को फिक्स रखना है, ठीक है, जितना मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ आपको भी उतना उसी हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लेना है जितना आपके पास कैपिटल होगा, एंड लॉस हो जाए एक या दो इसके बाद ट्रेड नहीं करना। तो ओवरऑल आज का ये पिनल था, देखते हैं, आज थोड़ा सा मैं घूमने जा रहा हूँ, एंड अगर आज ट्रेडिंग होता तो मैं शूट करूँगा ब्लॉग के रूप में, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपको कल अपडेट मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड कैसा लगा आपको यहाँ पर जिस हिसाब से मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ ये भी कमेंट करके बताना, एंड मैं जेन्युइन की तरह आपको दिखा रहा हूँ कि भाई प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, वो दिखाना मेरा फर्ज है, वो मैंने दिखा दिया, ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस।